बाबर 3-3 पे सीरीज लेवल थी, बड़े फाइनल में डिसाइडेड मैच में जब 200 बोर्ड पे लगता है तो मुश्किल होता है चेस करना। डेफिनेटली जिस तरह 200 रन अगर बोर्ड पे होता है तो अगर आपकी अर्ली विकटें गिर जाएँ तो वो प्रेशर आता है नीचे वाले बैट्समैन पे। लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारी पहली इनिंग्स थी उसमें हमने जो प्लानिंग थी हमारी वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और मेन थिंग ये था कि फील्डिंग हमारी अप टू द मार्क नहीं थी, क्योंकि आप मेन बैट्समैनों के कैच छोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से डिफरेंट गेम होती है। बैटिंग की हम बात करते हैं, अप्रोच की बात, फ्लेक्सिबिलिटी इन बैटिंग, क्या ये एक ऐसा एरिया है जिस पे आप वर्ल्ड कप आने वाला है उस पे देखेंगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये सीरीज़ हमारे लिए काफ़ी वाइटल थी और काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आई हैं खुल के, और इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं और कहाँ पे हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि T20 शॉर्ट फॉर्मेट है तो मेरे ख्याल से जितना क्विक डिसीजन लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अच्छा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई जिसमें ख़ासतौर पर अगर हारिस रऊफ की बात करें, सबसे मुश्किल वक्तों में बॉल करा, भी सिर्फ 4 ओवर में 24 रन दिए, 2 विकेटें हो भी सकती थी, नसीम और शाहीन का वापस टीम में आना, तो बॉलिंग लाइनअप काफ़ी सॉलिड दिख रहा है। डेफिनेटली जिस तरह मैंने टॉस पे भी बोला था, हमारी बॉलिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी रिस्पांस कर रही है और मेरे ख्याल से शाहीन को हम काफ़ी मिस कर रहे हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से जिस तरह हैरी ने अपने आप को एज अ सीनियर बॉलर उसको अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और टीम के लिए वो जो जहाँ पे भी उसको बोल देते हैं वो अपना 100% दिखा रहा है, और मेरे ख्याल से डे बाई डे इंप्रूवमेंट होती है और एज अ कप्तान बिल्कुल काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है मुझे इस पर। ओवरऑल एटमोसफियर और क्राउड के बारे में कुछ कह दें? डेफिनेटली मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान इस चीज़ का वेट कर रहा था, और मेरे ख्याल से जिस तरह क्राउड और फैंस ने इन्जॉय किया वो काफ़ी हमें भी खुशी हुई है काफ़ी कि वो आए हैं और स्टार्स को अपने सामने देखे हैं, इंग्लैंड की टीम को सामने देखा उन्होंने। बाबर गुड लक एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।